नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र नरसंहार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आह्वान पर धरना दिया। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गोरखपुर इकाई के सहायक जिला मंत्री राम मूर्ति ने बताया कि प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस जघन्य घटना की न्याय की जाँच की मांग की है। आदिवासियों के नाम जमीन पर विनियमितीकरण किया जाए, साथ ही अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहायक जिला मंत्री राम मूर्ति ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर किसानों, दुनिया के मजदूर किसानों, नया जमाना आएगा, सोनभद्र कांड की न्यायिक जांच हो, सोनभद्र कांड की न्यायिक जांच हो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेश राय, जिला मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी। हम लोग जो 17 तारीख को आदिवासियों के साथ जो भीषण नरसंहार की घटना हुई है उसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बसपा की सरकार रही, चाहे सपा की सरकार रही, चाहे भाजपा की सरकार है, किसी सरकार ने उसे न्याय नहीं दिया। और देश में के अंदर जो अफसरशाही है और नेताशाही दोनों और भू माफिया तीनों का गठजोड़ जो है काम कर रहा है। उस दिन की घटना थी कि दर्जनों टालियों पर लद करके लोग आए, हथियारबंद गुंडे बदमाश, और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। घटना के पहले भी अधिकारियों को सूचना थी, 100 नंबर पर भी सूचना दी गई, तो तमाम सूचनाएं गई, सारे अधिकारी जानते थे, लेकिन कोई अधिकारी तब तक नहीं वापस हुए गए घटनास्थल पर जब तक कि लाशें का ढेर नहीं लग गया। तो हम उसके लिए कि उनको 50 लाख प्रति मृतक के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनको पुराना हक बहाल किया जाना चाहिए। आदिवासियों की ज़मीन की डकैती जो हो रही है उस डकैती से वंचित किया जाए, यही आज के धरने का महा उद्देश्य है।